जनपद संभल के बहजोई में एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बीती रात बारातियों से भरी एक बस चंदौसी से वापस लौट रही थी, जहां रास्ते में बस का एक टायर पंचर हो गया, जिस कारण बस को रोकना पड़ा। बताया जा रहा है कि बस का टायर बदला ही जा रहा था, तभी चंदौसी से बहजोई की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बस ने खड़ी बस में टक्कर मार दी। भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए मृतकों के शवों को कब्जे में लिया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बहजोई से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। थाना बहजोई के अंतर्गत आज रात को 12 बजे के करीब बहजोई चंदौसी राजमार्ग पर 2 प्राइवेट बसों में टक्कर हुई। इस दुर्घटना में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 7 लोगों की मृत्यु हुई है व 8 अन्य लोग जो घायल थे उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और उनकी उपचार CSC बहजोई में चल रहा है। जो मृतक हैं उनके शवों का पोस्टमार्टम व पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सभी मृतक ग्राम छपरा जनपद संभल के रहने वाले थे। ये एक शादी समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में बस का टायर पंचर होने के कारण बस एक किनारे खड़ी थी, इसमें पीछे से दूसरी बस के द्वारा टक्कर मारी गई, जिससे यह दुर्घटना हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। धन्यवाद।